दोस्तों तुम्हारा भाई आ चुका है इंदौर और तुम लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो, तो इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा भाई कहाँ कहाँ जा रहा है। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं 57 दुकान। वैसे यहाँ 57 दुकान है नहीं, लेकिन यहाँ का नाम है 57 दुकान। तो यहाँ पे आज हम लोग ग्रेवी ट्राई करने वाले हैं। भैया से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सचिन। भैया क्या करते हो आप यहाँ पे? दाल मंचूरियन है, ग्रेवी है, लॉलीपॉप है, वेज लॉलीपॉप है, वेज कोफ्ते है, चिल्ली पनीर रहा है, अक्का नूडल है, वेज नूडल है, वेगन नूडल है। क्या रेट है भैया इनका? अक्का नूडल 60 रुपये, वेगन नूडल 70 रुपये, ग्रेवी ग्रेवी रहा है 70 रुपये, राय 80 रुपये, वेज कोफ्ते 100 रुपये, चिल्ली पनीर 120 रुपये और नूडल है। भैया कब से लगा रहे हो दुकान? यहाँ अभी ज़्यादा टाइम नहीं, 2 महीने। यहाँ 2 महीने में 26 जनवरी को चालू हुई है ये। और भैया इससे पहले कहाँ लगाते थे आप? इससे पहले मैं भोपाल में था। भोपाल में था? भोपाल में कहाँ भैया? संजय चौक। ये कहाँ पे पड़ता है? करोज चौराहे। भैया लोकेशन क्या है इसका? पुण्य मंदिर के पीछे ही है, तालाब के पास। तालाब के पास। और भैया टाइमिंग क्या रहती है यहाँ की? 4 से 12। 4 से 12 बजे तक। क्या है भैया ये? ये वेज कोच है। ये किस चीज़ का लॉलीपॉप रहता है भैया? और ये क्या भैया? ये चिल्ली पनीर है। चिल्ली पनीर है ये। और ये भैया मंचूरियन बॉल्स। और ये अक्का नूडल्स। कौन सा ऑयल रहता है भैया ये? सोयाबीन। क्या भैया ये? कितने साल से बना रहे हो भैया आप? 2 साल हो गए। तीखा रखना भैया स्पाइसी। फ्रूट कलर जी। कितने पीस मंजूर है ना था भैया इसमें? 12 से 15। गिन के नहीं डालते आप? गिन के नहीं डालते हो क्या? हमें धनिया पत्ता तो दोस्तों हमारा जो मंचूरियन ग्रेवी है वो रेडी हो चुका है। इसमें सबसे अलग चीज़ मेरे को ये देखने को मिली है, वैसे तो मैं भोपाल से हूँ तो भोपाल में जो अपनी मंचूरियन ग्रेवी बनती है तो उसमें आप लोगों को पास्ता, सोयाबीन और बहुत जो इनने डाले सब कुछ वही डलता है, सेम रहता है, लेकिन उसमें पास्ता और सोयाबीन भी ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। बाकी इनकी देखने में आप लोग देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा लग तो रहा है देखने में। और क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी यार सही नहीं है, भोपाल में अपने को 70 रुपये में बहुत मिल जाता है और वहाँ पर फुल का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये होता है। तो चलिए अब टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। फटाफट से इसको टेस्ट करता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। गर्म बहुत ज़्यादा है। टेस्ट की बात करें तो यार टेस्ट ठीक ठाक है, जो नमक है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, बाकी नमक अगर कम रहता तो टेस्ट अच्छा होता। और मज़ा मेरे को इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यार अपन ने जब भी ग्रेवी खाई है तो उसमें पास्ता और सोयाबीन तो डला ही रहता है, इस वजह से जो टेस्ट है वो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी अगर आप लोग आओ तो एक बार ट्राई करना, और जितने भी इंदौर से देख रहे हो मुझे कमेंट करके बताओ यार कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मैं पास्ता और सोयाबीन नहीं डाला कि हर जगह नहीं डलता।